क्या हो चुका है परिणीति चोपड़ा का रोका? अक्टूबर में बारात लेकर आएंगे राघव चड्ढा। क्या अक्टूबर के महीने में परिणीति और राघव की है शादी? हो गया है बड़ा खुलासा। वेल, बी टाउन में परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा लगातार अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। खबरें आ रही है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जल्द ही शादी करने वाली है। अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राघव और परिणीति इस साल अक्टूबर में शादी के बंधन में बनेंगे। इतना ही नहीं, दोनों का रोका भी हो चुका है। फैंस परिणीति की सगाई की खबरों को पढ़कर हैरान हो सकते हैं, लेकिन मीडिया गलियारों में से अब ऐसी गपशप चल रही है जिसे सुनकर आप ही भी होश उड़ जाने वाले हैं। शादी की खबरों के बीच अब एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का रोका हो चुका है। दोनों ही परिवारों ने मिलकर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था। नेता और एक्ट्रेस की फैमिली इस शादी से बहुत खुश है। संभव है कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा इस साल अक्टूबर में शादी करेंगे। फिलहाल कपल अपने काम को लेकर बिजी चल रहे हैं। अपने कमिटमेंट से फ्री होकर वो इस साल के अंत तक शादी कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा भी आएंगी शादी में। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि परिणीति की कजिन प्रियंका चोपड़ा भी इस शादी में शरीक होंगी। दरअसल 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक होने वाले जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रियंका चोपड़ा इंडिया आएंगी। वह इस फिल्म फेस्टिवल को चेयर पर्सन के तौर पर होस्ट करने वाली हैं। ऐसे में परिणीति की शादी भी करीब उसी समय हो सकती है। शादी की खबरों पर ऑफिशियल जानकारी नहीं है। कई बार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को एक साथ देखा गया है। कहा जाने लगा है कि दोनों के बीच इश्क विश्क चल रहा है, मगर दोनों ने अभी तक शादी और अफेयर पर चुप्पी नहीं तोड़ी। हालांकि परिणीति ने ये जरूर कहा था कि मीडिया उनकी पर्सनल जिंदगी को लेकर काफी बातें करता है, बस इन गॉसिप और अपमान में एक बारीक लाइन होती है। कई बार मीडिया सीमा क्रॉस कर देता है और पर्सनल लाइफ में घुसने लगता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो जरूर सफाई देंगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वो सफाई दे चुकी है। तो वैसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब अक्टूबर के महीने में बजने वाली है बैंड? परिणीति और राघव करने वाले हैं शादी? डू लेट अस नो योर रिएक्शन ऑन दिस खबर।